बच्चे को बुखार हुआ है। बुखार नहीं डॉक्टर साहब, सर घूम रहा है इसका। सर बताइए, ये उम्र है सर घूमने का, अभी से बुढ़ापा आ गया इसका। अरे सब खाना कम खाने से होता है। रात में क्या खाए थे बबुआ? रात में तो हमसे मार खाया था ये। अरे खाना में क्या खाए थे ये पूछ रहे? खाना नहीं खा रहा था इसलिए तो मार खाया। क्यों बबुआ, खाना क्यों नहीं खाते? भूख लगेगा तभी ना खाएंगे, हमको तो भूख ही नहीं लगता। अरे डॉक्टर साहब, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दो चार लात लगाते हैं ना ठीक भूख लग जाता है इसको। अरे नहीं नहीं, बच्चों को मारा नहीं जाता, मैं एक दवा दे रहा हूँ, इसको खिलाते रहिएगा ठीक भूख लगेगा। दवा हुआ नहीं, सीधा इंजेक्शन मारिए इसको, तब जाके सुधरेगा। अरे भाई साहब, हर चीज में इंजेक्शन थोड़ी दिया जाता है, कुछ दिन यहाँ रख के देखिए ठीक हो जाएगा तो ले जाइएगा। इसको हमेशा के लिए रख लेते यहीं तो बहुत ज्यादा मेहरबानी होता आपका। अरे नहीं नहीं, इतना ज्यादा भी मेहरबानी नहीं किया जाता किसी पर। यार मुझे लगा नहीं था तू हम लोग को इतनी जल्दी छोड़ के चला जाएगा, तुझे बहुत मिस करूंगा यार। हाँ हम लोग भी बहुत मिस करेंगे। अबे मर थोड़ी रहा हो, बुखार ही तो है, कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा, काहे बौरा रहे हो लोग। मेरे दादा को भी सिर्फ बुखार था, दूसरे ही दिन टपक गए थे। मेरी दादी को तो सिर्फ सर्दी हुआ था और सर घूम रहा था, वो भी टपक गई। मेरे दादा के भाई के दोस्त के नाना को तो कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी टपक गए। अब एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ हमको हिम्मत देने आए हो कि हिम्मत तोड़ने आए हो? बुखार से मरे या ना मरे, तुम लोग का बात सुन के जरूर मर जाएंगे हम। ऐसा मत बोल भाई, तुझे मैं मरने नहीं दूंगा। तो मैंने कब बोला कि मैं मर रहा हूँ? तुम ही लोग ना कब से मरने मारने की बात कर रहे हो। हाँ हेलो, क्या पड़ोस वाले अंकल मर गए? क्या हुआ था उनको? वो बुखार था, सर्दी भी था, सर भी घूम रहा था, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। मेरा भी दोस्त है एक, उसके साथ भी इसी तरह हो रहा है। हाँ नहीं नहीं नहीं, जिंदा है, अभी जिंदा है। ठीक है रखता हूँ भाई, तेरे को मरने नहीं दूंगा मैं। तू हम लोग को छोड़ के कैसे जा सकता है? अबे तुम लोग तो हमको डरा कर मार दोगे बे। हटो, जाने दो मुझे। नहीं भाई नहीं जाने देंगे। हटो, मुझे जाना है। नहीं भाई छोड़ कर मत जा हम लोग को। तेरे को पकड़ के रखूंगा मैं, जाने नहीं दूंगा। अबे जोर से पोटी लगी मुझे, हट।